स्टोरेज और गोलगप्पे एक ऐसी चीज है जो मतलब जितने भी खा जाए कभी कम नहीं पड़ पाएंगे। क्या आपकी 400 बाथरूम सेल्फियों के लिए आपके पास जगह नहीं है? क्या आप स्टोरेज के लिए अपनी आंटियों की फोटो को डिलीट करते हुए तंग आ चुके हैं? या फिर आपको पबजी अनइंस्टॉल करनी पड़ रही है अपनी स्टोरेज की दिक्कत की वजह से? आज सारी बाधाओं को तोड़ा जाएगा, ये स्टोरेज का ऐसे मस्त ऐसे फुल टू इलाज निकल पाते हैं। ऐसे अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज का आपके लिए जुगाड़ लगाएंगे। 4-5 ऐसे मस्त जुगाड़ है जिनको सब अगर आप करोगे तो स्टोरेज की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। काफी सारे जो थोड़े लो मेमोरी वाले फोन होते हैं उसमें मतलब स्टोरेज की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। आप एक दो ऐसे गेम इंस्टॉल करो ऐसे पूरी फुल हो जाती है, या फिर किसी किसी में तो गेम में इंस्टॉल नहीं हो पाती है। काफी सारी जो बड़ी गेम्स होती है 2-3 GB के ऊपर की, तो एक बहुत ही सिंपल हैक है, मतलब काफी लोगों को पता नहीं है बात। यूजुअली दिक्कत ये आती है कि मतलब कोई भी जो गेम है वो माइक्रो एसडी कार्ड पे इंस्टॉल नहीं हो पाती है। और इतनी आपकी फोटो वोटो भी है वो भाई अपना ऐसे अंदर ही अंदर ऐसे छुपने में उनको ज्यादा मजा आता है। 400 सेल्फियां भाई अपने फोन पे रखने में अलग ही मजा है। तो इसके लिए बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, एक माइक्रो एसडी कार्ड आपको लेके अपने फोन में लगा देना है, और ऐसे लगाने के बाद 2 थप्पे भी मारना है क्योंकि इसे ऐसे प्यार बढ़ जाता है, फिर वो समझ जाता है अंदर का। तो सेटिंग में जब आप जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 29 GB लिखा रखा है और ये एसडी कार्ड मैंने 16 GB का लगा रखा है। आप कितने भी जीबी का लगा सकते हो जितने का भी आपका फोन सपोर्ट करता है। इसमें से यहाँ पे जाना, स्टोरेज सेटिंग्स में जाके फॉर्मेट एज इंटरनल अगर आप कर दोगे तो बेसिकली करेगा क्या, इस मेमोरी कार्ड को ना इंटरनल स्टोरेज में कन्वर्ट कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो अब जो टोटल स्पेस है वो 46 GB हो रखी है और पहले कम थी भाई, और ये भाई हमने जादुई तरीके से बढ़ा दिया। बट इसको मैं तभी रिकमेंड करूंगा अगर आपके फोन में स्टोरेज बहुत ही कम है, क्योंकि होता क्या है कि माइक्रो एसडी कार्ड ना फोन की स्टोरेज से थोड़ा स्लो होता है, तो आपकी लोडिंग टाइम में और गेम के लोड टाइम में और ऐप थोड़ी स्लो चलेंगे। भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो ये बेस्ट रहेगा। जब भी ऐसे बहुत ज्यादा खाना खा ले तो फिर ऐसे बदहजमी हो जाती है, उसके बाद फिर ऐसे हाजमोला खानी पड़ती है। वो वाला कॉन्सेप्ट हम रिकमेंड नहीं करते। हम रिकमेंड करते खाना ही हेल्दी खाओ, तो उससे कुछ दवाइयों की दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे थोड़ा अनरिलेटेड सा हो गया, बट कहने का मेरा मतलब ये था, ये जो क्लीनिंग एप्लीकेशन बूस्टर एप्लीकेशन जितनी भी है ये सारी ऐसे दवाइयों की तरह इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा रहते हैं। ऐसे गूगल ने देखा ये दवाइयों की आजकल दिक्कतें हो रही है, तो उन्होंने अपनी एक मस्त ऐप बना दी है। इस वाली ऐप का नाम है फाइल्स गो, और ये गूगल का ऐसे ब्रह्मास्त्र है जो ऐसे सारी ऐसे हाजमोला खत्म कर देता है। हाजमोला सही होती है यार, हाजमोला की ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एक फाइल मैनेजर है, उसमें क्लीनिंग का भी ऑप्शन है। इसमें बेसिकली आपको काफी सारी चीजें एक साथ देखने में मिल जाते हैं, ऐसे जंक फाइल्स है, मीम्स आपके पास बहुत सारे हो गए हैं तो वो डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट फाइल्स, और इसके साथ अगर बहुत लार्ज फाइल्स हैं या डाउनलोडेड फाइल्स हैं, और काफी सारे और भी हैं, और एड फ्री, और गूगल ने खुद बनाई है इसलिए भाई काफी ज्यादा ऐसे ट्रस्टेड सी मस्त सिंपल सी एप्लीकेशन है। इसको यूज करके काफी ज्यादा स्टोरेज आप फ्री कर सकते हो। नेक्स्ट, अब हम भाई कैश साफ करेंगे। वैसे जब मैं अपने कॉलेज में था तो एक लड़का था वो कैश को कच्छे बुलाता था, पता नहीं वो जानबूझ के करता था या फिर ये राज दोस्ती के साथ चला गया। बट बेसिकली अगर कच्छे आपको कैश अगर आपको डिलीट करना है तो भाई इसमें आप स्टोरेज वाले में जाके सेक्शन में एप्स का खोल सकते हो, और एप्स का ऐसे क्लियर कैश वाला एक बटन होता है, जैसे कि आप देख सकते हो क्रोम ने 1.16 GB कैश ले रखा है और इसको ऐसे सॉर्ट कर देते हैं। टिकटॉक है, टिकटॉक अपना बड़े बड़े में यूज तो करता नहीं बट अपना मस्त से कैश वैश बैकग्राउंड में लेके घूमते रहते हैं, और टिकटॉक वाला 800 MB। तो ये अगर आप टॉप 3-4 ऐप का करोगे तो आपके 1-2 GB तो ऐसी आराम से फ्री हो जाएगा। बेसिकली कैश ना टेम्परेरी फाइल्स होते हैं जो फोन स्टोर करके रख लेता है, तो अगर आप किसी चीज को बार बार करते रहते हो तो चीज थोड़ी फास्ट हो जाती है, बट अगर उसको आप 1 महीने में एक बार डिलीट करते हो तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट रोज रोज सुबह उठ के ऐसे कच्चे मत डिलीट करना। मेरे को जो फनी लगती है चीजें वो मैं बताता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं आता। फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट गाइज, जो नेक्स्ट वाली चीज है आपके मतलब फैमिली रिलेशंस पे और पर्सनल रिलेशंस पे काफी ज्यादा बुरा असर डाल सकते हो। आंटियों को कर दो बाय बाय जो गुड मॉर्निंग भेजती है व्हाट्सएप पे, एक मस्त से जुगाड़ दिखाता हूँ। वैसे आईफोन पे दिखाता हूँ बट एंड्रॉइड पे भी सेम चीज रहती है। बेसिकली व्हाट्सएप पे जितना भी ऐसे कचरा फैलाया जाता है ना, कचरा या फिर ऐसे मोटिवेशनल कंटेंट या फिर धार्मिक कंटेंट, अलग अलग तरीके का आपको ऐसे न्यूज भी देखने के लिए मिल जाती है, और काफी कॉलेज लड़कों को समझ नहीं आता तो ऐसे स्टडी मटेरियल ही बहुत है। हम पढ़ाई लिखाई से हमारा ज्यादा लेना देना है नहीं। बट बेसिकली मैं एक चीज एड्रेस करना चाह रहा था और ये मैं एकदम पास आके बोलता हूँ तो आपके ऐसे दिल को छू जाएंगी ये बातें। इंडिया में 330 मिलियन गॉड्स हैं और साल में खाली 365 डेज रहते हैं, जिसमें भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये 3-4 मिला के मतलब आंटियों के पास कॉन्टेंट की कोई कमी नहीं। इंडिया में आंटियों का जितना कॉन्टेंट है अगर ऐसे भरपूर रूप से आपको ऐसे प्रसारित करें, प्रसारित कोई वर्ड नहीं होता बट मतलब ऐसे उभार के ऐसे दिखाएं, तो आपकी जिंदगी में सफलता आ जाएगी। बट इसमें एक ही ऑप्शन रहता है, सेव टू कैमरा रोल। मतलब इसमें एंड्रॉइड में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है बट इसका मेन यही है कि इस ग्रुप पे जितनी भी चीजें आएंगी वो सारी कुछ भी सेव होगा नहीं। तो ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए पेश कर दिया है मैंने।
भाई अभी तक जितनी भी चीजें थी उसमें सबसे ज्यादा तगड़ी लगी मेरे को। इससे आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है अपनी फोटोज और वीडियोस के लिए, और मतलब जो फोन पे सबसे ज्यादा स्पेस लेती हैं वो भाई फोटोज और वीडियोस ही होती हैं। बेसिकली करता क्या है कि ऑनलाइन सारा बैकअप करके रख लेता है। और ये बहुत ही सिंपल सी ऐप है, इसका नाम है गूगल फोटोज। इसमें एक ऑप्शन रहता है, अगर आप सेटिंग्स में जाते हो बैकअप एंड सिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे अपलोड साइज अगर आप हाई क्वालिटी कर देते हो तो आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिलती है। और हाई क्वालिटी का ये मतलब है कि 16 मेगापिक्सल के ऊपर जितनी फोटो है उसको हल्का फुल्का रिसाइज करके उसके अंडर कर देता है, और जो क्वालिटी रहती है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव रहती है। और आपको अनलिमिटेड स्टोरेज मिल जाती है, आपको कुछ नहीं करना रहता, ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में बैकअप भी करता रहेगा आपकी सारी इमेजेस। तो समझ लो फोन चोरी भी हो जाता है या फिर ऐसे डेटा करप्ट हो जाता है, फोन टूट टूट जाता है तो आपका डेटा कहीं नहीं जाता है। और इसमें दिक्कत वाली बात यह है, गूगल पे आपको कितना ज्यादा भरोसा है, बट मैं बस ये तो करके रखता हूँ और अभी तक तो ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं। चलो नेक्स्ट वाइप पे चले जाते हैं। ज्यादातर जितनी फोन वाली कंपनी है जो ऐसे थोड़े बजट फोन्स बनाती हैं वो ऐसे यूजुअली ऐसे थोड़ी पार्टनरशिप्स ही कर लेती हैं एप्लीकेशन के साथ, और वो एप्लीकेशन ऐसे फोन में प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, वो एक्चुअली सिस्टम एप्लीकेशन नहीं होती है और आप उसको डिलीट कर सकते हो और काफी ज्यादा स्पेस ऐसे खाली कर सकते हो। तो वो आपको करना मतलब बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा। जैसे इस वाले अगर फोन में आपको दिखाऊं, लजाडा करके कोई एप्लीकेशन है, उसके साथ यहाँ पे हॉट एप्स वाला इसमें बता रखा है जिसमें प्ले स्टोर में बहुत सारी एप्लीकेशन है। इसके बाद ओ रोमिंग है, ओपेरा है, और एक दो और भी आते हैं, डेली हंट और ये सारी चीजें आती हैं। तो इन सबको आप इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है। और उसके बदले एक बहुत ही मस्त एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, रिवॉल्व करके, हमारी अपनी घर की खेती है, इसमें सारे वॉलपेपर्स हम रेड से फेच करके आप लोगों के लिए दिखाते हैं। ऐसे बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर्स आते हैं, बहुत छोटी सी 1-2 MB की है, उसमें वॉलपेपर आते हैं, कोई एड वर्ड भी नहीं है, तो ऐसे कर लेना बस। अगर इन सारी में से आपने कुछ चीजें भी कर ली है ना, तो आपकी स्टोरेज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, और मतलब आपको ऐसे फ्यूचर में ऐसे कुछ स्टोरेज वाइज ज्यादा दिक्कत आने नहीं वाली है। गूगल फोटोज अगर आप यूज करने लगोगे तो वैसे ही काफी ज्यादा स्पेस खाली हो जाएगी, और उसके साथ अगर आप ऐसे इंटरनल स्टोरेज भी बढ़ा देते हो अपने मेमोरी कार्ड लगा के, फिर तो ऐसे अनंत से भी आगे अनलिमिटेड गोलगप्पे मिल जाएंगे। और इस वाली वीडियो के लिए अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बहुत तेज बोल रहा हूँ, मजा भी आ रहा है दोनों को एक साथ। बाय। प्रसारित करें, प्रसारित कोई वर्ड होता है क्या? प्रसारित कोई वर्ड नहीं होता।